8 फरवरी 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने खुद के बनाए हुए 120 फॉर्मूले लिखे हुए थे। जब प्रोफेसर हार्डी को वो पत्र मिला तो उनको ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई नोवेल लिख के उनको भेज दियो। कुछ समय बाद हार्डी ने अपने दोस्त की मदद से उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया और थोड़े ही समय बाद उनको पता लग गया कि ये जिसने भी लिखे हैं वो गणित का बहुत बड़ा विद्वान है। बीमारी के बाद रामानुजन भारत आ गए थे और इनका वहीं इलाज चल रहा था। इस दौरान वो चारपाई पर पेट के बल लेटे रहते और एक नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। बाद में बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और वो नोटबुक जब प्रोफेसर हार्डी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा इतने कम समय में ही रामानुजन 600 से ज़्यादा सूत्र लिख के जा चुके थे। वैसे आज तक इनके सूत्र को कोई समझ नहीं पाया क्योंकि इनका कोई बेस नहीं था। ब्रिटिश वैज्ञानिक यह तक कहते थे कि रामानुजन के आखिरी वक्त में लिखे गए सूत्र इतने थे जितना कोई वैज्ञानिक जीवन भर भी नहीं कर पाता है। और दोस्तों रामानुजन के जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है जो कि 22 दिसंबर को आता है। ऐसी ही फैक्ट वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।